सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज एक नया दिन है, एक नया शो है। 90s के दौरान बॉलीवुड में ज़्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर पे बना करती थी। उस टाइम पर बॉलीवुड वेंट ग्लोबल एंड रीच्ड वाइडर ऑडियंस, जिसकी स्टोरी लाइंस बहुत ही चैलेंजिंग होती थी, और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का शो उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम होगा जिन्होंने अपने वर्सिटैलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी, उनके पास डिग्री है भी, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। वैसे माधुरी ने कथक डांस भी सीखा हुआ है, 8 साल की ट्रेनिंग ली है, नो वंडर इसीलिए उन्हें डांसिंग क्वीन बुलाया जाता है। 1984 का वो समय था जब अबोध फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन माधुरी जी को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिली, और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी निकल पड़ी और एक टाइम आया जब वो 3-4 फिल्में एक ही साल में रिलीज करती थी। आपको पता है जब हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी ना, उस समय माधुरी की फीस सलमान खान की फीस से 2.75 करोड़ ज़्यादा थी। वाह, मतलब एक्ट्रेसेस का भी एक ज़माना हुआ करता था। खैर आइए इसी बात पर शो की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के गाने के साथ, लता जी और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, मौसम का जादू। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज ये 90s की डीवाज पे स्पेशल एडिशन मेरे आने रुचि के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. नहीं काबू कैसा ये जादू, ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा, मेरा जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा, इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें, पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फुलवा, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, ना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा, वो हर सु है मितवा।
अपने संग अपनी नगरिया। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। तुम दूर इतने दूर संग आ गई मेरी गोरिया। ये मौसम का जादू है मितवा अब दिल पे काबू है मितवा। मेरा जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा वो हर सूहे मितवा। सारे गामा कारवा कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कोई
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ. वेलकम बैक. आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूं 90s के कुछ ऐसी डिवाज के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी. 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल आउटस्पोकन हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी. ऑफकोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूँ काजोल की. काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था. और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं. वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था. लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल. जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफ़ी दूर थी. कॉन्ट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी. इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी. उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज. लोगों ने ज़रूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी. वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं. तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ लता मंगेशकर जी की आवाज़ में. हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पर डांस किया ही है. मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर. कहो कभी सामने
सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहां पर मैं और आप मिल करके चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफ़ी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए।
और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। इट वॉज देन जब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलाव लेकर के आना है और अब थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में भी, रोमांटिक कहानियां भी लोगों को सुनानी है, दिखानी है। एंड दैट इज़ वेन उनके दिमाग में चांदनी फिल्म का ख्याल आया था। इस फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए इसी फिल्म का गाना आपको सुनाऊंगी, श्रीदेवी जी का गाना ऑफ कोर्स, 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट डीवाज। लेकिन उसके पहले लम्हे फिल्म से हरिहरन और लता दीदी की आवाज़ में अगला गाना कभी मैं कहूँ। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। कभी मैं सुनूं,
सुना कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। लव दिस एपिसोड, ऑफलाइन दिस वीडियो नाउ एंड एंजॉय दिस शो एनी टाइम एनीवेयर। क्लासिक रेडियो शो जारी है, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की दीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने, और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी, और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं, बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज़ हो गई थी, और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई।
कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफ़ी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफ़ी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी, और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेज हैं वो मेरी फीस में से काट दो लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। आई थिंक दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। बट एनी वे, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन डीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। तस्वीर है तू बेखबर, मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर, मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. सोचा था कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम। कुछ कुछ
शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम कब मैंने ये सोचा था कब मैंने ये जाना था तुम इतने बदल जाओगे तुम इतना मुझे चाहोगे तुम इतना प्यार करोगे तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली तमिल मलयालम तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्ब्यूलेंट अफेयर्स। इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनकी सामने आई थी लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है मनीषा कोइराला अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से। चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थी लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफ़ी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं। फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ 1942 लव स्टोरी की। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफ़ी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला। चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना सेलिब्रेटिंग 90s की दीवा मनीषा कोइराला वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है तुमको पता है
समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढल के, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढल के, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। बहकी बहकी धड़कन महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। प्यारा प्यारा लग
लब आई हेल यू आई हेल यू इलू का मतलब आई लव यू वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवाज के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवाज की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज़ का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स क्यों ना करती हों, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहाँ पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी ले करके गए होते। एनीवे, ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है तो और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गाना लेकर के आई हूँ। मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवा से है ये गाना, सुनिएगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफल सुबह शाम, तेरी याद हम सफल सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफल सुबह शाम, तेरी याद हम सफल सुबह शाम। तू मेरे दिन में, रातों में, खामोशी में, बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पयाम, तेरी याद हम सफल सुबह शाम, तेरी याद हम सफल सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम,
तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे। ख्वाबों ख्वाबों तू मिले न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले। तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थर थर आए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थर थर आए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम, कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम। क्या मेरे ख्वाब हैं, क्या
है मेरी आरज़ू तुमसे ये दास्तां क्यों ना कहूँ रूबरू You are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.